धान की खरीद को लेकर किसानों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते सरकार ने आनन फानन में 1 अक्टूबर की शाम से धान की खरीद मंडियों में शुरू कर दी है। लेकिन ई खरीद पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही हरियाणा सरकार ने किसानों के धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए आनन फानन में 1 अक्टूबर शाम से अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। धान लेकर ट्रॉलियों में आए किसानों को मंडी में प्रवेश द्वार पर ही गेट पास नहीं मिलने के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वह बीते 2 दिनों से लगातार मंडी में प्रवेश करने के लिए गेट पास बनवाने मंडियों में पहुँचते हैं, लेकिन ई खरीद पोर्टल के काम नहीं करने से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी में पीने के पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के तो कोई प्रावधान ही नहीं किए गए हैं। जी आपका नाम? अमरजीत सिंह। कब से खड़े हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम कल भी आए थे जी यहाँ पे, आज सुबह 6 बजे खड़े हैं जी। यहाँ पे कोई गेट पास नहीं बन रहा है, सामान माल हमारा ट्रेलियों में पड़ा है जी। हाँ जी, खाना खाया आपने? नहीं खाना कहाँ खाया, सवेर के चले हुए हैं 5 बजे के घर से, कोई पानी नहीं कोई खाना नहीं। जी आपका नाम? महेंद्र सिंह। जी कब से खड़े हैं यहाँ पे? कल भी आकर चले गए जी सवेर से, आज शाम को वापस चले गए थे, आज भी सुबह के 6 बजे के खड़े हैं। दिक्कत क्या आ रही है? बहुत दिक्कतें हैं जी, नेट नहीं चल रहा, कभी कहते नेट नहीं चल रहा है, कभी कहते कुछ नहीं है, ऐसे ही बहुत परेशान हो रहे हैं। 15 दिन से जीरी पड़ी है मंडी में जी। ना कोई व्यवस्था है, ना पानी की, ना शौचालय की, ना कोरोना सैनिटाइजर की, बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी। सैनिटाइजर टनल लगाई गई, ये काम कर रही है? नहीं, ये तो खाली पड़ी है जी, कुछ नहीं है इसमें तो जी। हाँ बिल्कुल खाली पड़ी है, तो काफ़ी दिनों से लेके आए। जी आपका नाम? मेरा नाम सतवीर है। जी कब से खड़े हैं गेट पास बनवाने और खरीद जो है शुरू हुई आपकी? नहीं हुई। मैं सर 2 दिन से खड़ा हूँ, कल भी आया था और आज भी खड़ा हूँ, सुबह से ही खड़ा हूँ यहाँ पे। कोई खरीद नहीं हो रही, कोई पर्ची नहीं बन रही, यहाँ पे गेट पास ही नहीं बन रहा जी। किस तरीके की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, कोरोना को लेकर व्यवस्था, क्या व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, ना ही पानी पीने की है, ना ही शौचालय की है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, सारे किसानों के लिए परेशानी का माहौल है यहाँ पे, ये आप देख ही सकते हो, पूरी कतार में खड़े हैं किसान, बहुत सारी समस्या। जी सर आपका नाम बताइए? मनोज शर्मा, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला सिटी। सर अब कब से जो है खरीद शुरू हुई है, कितनी खरीद शुरू हुई है? ये DFSC और हैकर द्वारा खरीद की जा रही है और ये खरीद 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है जी। 1 अक्टूबर शाम से जी, हैफेड द्वारा लगभग 62,000 क्विंटल खरीद की गई है और DFSC द्वारा लगभग 40,000 क्विंटल खरीद की जा चुकी है। सर अंदर से तो क्या गाइडलाइंस आई हैं, किस तरीके से कितने किसान आएंगे, किस तरीके से आएंगे, उसके बारे में? जो बड़ी मंडी है हमारी, बड़ी मंडी है ये, तो इसमें 300 फार्मर एक दिन में आएंगे, 150 फार्मर जो हैं वो सुबह की शिफ्ट में आएंगे 8 से 2 बजे तक, और 150 फार्मर 2:30 से 6 बजे की शिफ्ट में आएंगे जी। सर ये बताइए कि किस तरीके से किसानों को बुलाया जा रहा है मंडियों में, क्या प्रावधान किए गए हैं? जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण करवाया है तो उनको सरकार द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं उनके मोबाइल नंबर पर, तो उसी डेट के हिसाब से वो अपनी फसल लेकर मंडी में आ रहे हैं और उनके ऑनलाइन गेट पास काटे जा रहे हैं जी। सर पानी पीने की व्यवस्था और मोबाइल फोन की व्यवस्था है मंडी में, उसको लेकर क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? देखिए टॉयलेट्स हमारी मंडी में है, बाकी मोबाइल टॉयलेट्स के लिए हम नगर निगम को बोलेंगे और पानी के लिए वाटर कूलर मंडी में लगे हुए हैं। सर किस रेट पे जो है वो खरीदी जा रही है? MSP 1888 है, उसी रेट पर खरीदी जा रही है।